दूसरी चीज, जो आती पार्टी सारे वादे करती, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, परंतु आज तक किसी ने डेवलपमेंट नहीं किया है। और जो ये कहते हैं ना कि गारंटी, एक बात बताइए आप कि गारंटी किसकी है अभी, अभी गारंटी किसकी है? देखिए मैं मोदी जी के लिए कहता हूँ, मोदी जी दो जगह से खड़े होते हैं, बनारस और गुजरात से, नहीं क्यों? जब उनकी गारंटी पक्की है तो एक ही जगह से खड़े हो। मैं चैलेंज की बात नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी बात, किसी की कोई गारंटी नहीं बेटा, जब तक रिजल्ट सामने नहीं आते कोई गारंटी नहीं। मैं कह दूं रामचंद्र जी या भागीरथ जी, कुछ नहीं, रिजल्ट आता वही गारंटी होती है, बाकी आप किसी से भी पूछे ना गारंटी, तो वो गारंटी नहीं होती। भागीरथ चौधरी तो अभी भी सांसद है सत्ता में, तो उनका रिपोर्ट कार्ड तो आपके पास है, तो उन एक बात सुनिए, भागीरथ चौधरी जी कितनी दफे अजमेर आए और कितनी दफे आपसे मिले, हमसे छोड़ो भाई प्रेस से तो मिले भाई, सब मोदी के ही नाम पे अगर काम कर रहे हैं मोदी जी, तो ये क्या कर रहे हैं, उनके नाम का भजन नहीं? सही बात है, इनको भी तो पब्लिक के लिए बोलना चाहिए। आज देखिए किसानों का आंदोलन हुआ, दूसरे आंदोलन हुए, क्या इनका फर्ज नहीं बनता? ये अपने आप को किसान के घर का कहते हैं, पता नहीं क्या खाती का काम करते हैं, क्या करते हैं, मैं चेले वो बुरा नहीं कह रही हूँ, परंतु एक वो वाली बात है कि ये क्या करते हैं और क्या कहते हैं। वक्त पे आप अपने आप को खाती का भी बना लेते हैं, शेड्यूल कास्ट भी बना देते हैं, अपर कास्ट भी, ब्राह्मण भी, सब कुछ कर लेते हैं, ये तो पॉलिटिक्स है बच्चे, किसकी गारंटी देंगे आप? आप खुद ही बताइए किसकी गारंटी है। आप भी किसी ना किसी उसके मतलब चैनल से आए हैं? है, कौन से चैनल से? द नगरी न्यूज से। किसकी गारंटी देते हैं आप? जबकि तो किसी की गारंटी नहीं देंगे, हम मीडिया हैं। मीडिया की बात नहीं, देखिए मीडिया ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन करती है। अभी आप किसी को कोई लड़खड़ा जाता, कोई बड़बड़ा जाता, कोई किसी का, आई एम नॉट प्रो एनी पार्टी, मैं किसी पार्टी के प्रो नहीं हूँ, परंतु यार कुछ काम तो करो यार, बच्चों की एजुकेशन देखो कितनी महंगी हो रही है, आप पढ़ाई के लिए सोचिए, आप हायर एजुकेशन के लिए ये कितना पैसा दीजिएगा। ये कहते हैं 4 लाख का लोन लो, 4 लाख के लोन जो सब देना बैंक के हिसाब, ऐसे बिना गारंटी के नहीं देते हैं, बिना गारंटी के कोई लोन दे नहीं देता, चाहे 4 लाख का हो चाहे 3 लाख का हो, गवर्नमेंट सब कहती कि ये चीज है, ये चीज है, ये बांटा, किसी गरीब के घर पे जाके तो देखो कितना राशन दिया है, 80 करोड़ कहते हैं, तो 80 करोड़ में यार आपने अजमेर वाले भी तो होंगे दो चार, किसी से आप पूछना कि यही कोई गरीब आए ना वोट डालने, कि आपको ना जो बीजेपी या जो जिसने जो स्कीम चला रखी है, क्या उन्होंने गरीब आपको राशन दिया, तेल पानी दिया, रोजगार दिया, नरेगा में भी सब जगह मोनोपोली, हर जगह राजनीति चला रखी है, फेयर गेम करो ना यार, जो आप डिजर्व करते हैं एंकर के लिए ठीक है, और नहीं ऐसे माइक लेके पकड़ा के खड़ा कर दे तो फर्क पड़ता है ना, इसलिए मतलब फेयर गेम खेलो यार, पब्लिक के संग आप जीत के आए हो, क्या पब्लिक गाली तो देगी? आज मैं मान लो MLA MP बन जाता हूँ, मैं फेयर गेम खेलता हूँ, मैं साफ कहता हूँ भैया ये चीज नहीं हो सकती, तो क्या कहेगी पब्लिक? जी किसी ने आज तक इस्तीफा दिया? किसी ने जो काम वादे और जो अपना एजेंडा में दिए हुए इन्होंने घोषणा पत्र में पूरे की नहीं किए, तो उन्होंने इस्तीफा दिया? नहीं दिया ना, क्यों नहीं दिया? जब मैं मेरे वक्त पे मैंने जो आप लोग मेरे को वोट दे के जिताते हैं और मैं ही इस चीज को नहीं कर पाता हूँ, तो मेरा यह हक बनता है कि मैं इस चीज पोस्ट के लायक नहीं हूँ, परंतु क्या है आज देखिए ओल्ड पेंशन के लिए आप जाइए, जितने भी रेलवे वाले रिटायर्ड है, LIC वाले, ओल्ड पेंशन से ही सारा इनका घर का चल रहा है, बच्चे बेरोजगार हैं, उनकी पेंशन आनारी आरी चल रही है, ओल्ड पेंशन जी MLA MP क्यों लेते हैं? आज किसी MLA MP की ओल्ड पेंशन नहीं है क्या? आज मोदी जी ओल्ड पेंशन नहीं ले रहे गुजरात की, जो CM रहे या जो कुछ रहे, तो दूसरों की ओल्ड पेंशन क्यों नहीं करते, दूसरों को फाइनेंस क्यों नहीं देते? एक कर्मचारी अगर जो 34, 35, 40 साल तक इनकी सर्विस करता, सेवा करता, डंडे खा के है ना, मतलब वो अपने मतलब वेज रिवीजन कराता है, तो क्या उसकी पेंशन नहीं देनी चाहिए?
आज आपका एक बात, चलिए सब छोड़ दिया, आज आपकी क्या सिक्योरिटी है? आज आप एंकर हैं, आपकी क्या सिक्योरिटी है ये बताइए? आज यहाँ से छोड़ी नौकरी, कोई अच्छी जॉब मिल गई चले गए, वहाँ की बात है। अगर आप यहीं से रिटायर्ड हो तो क्या करोगे? एक LIC का एजेंट, एक LIC का एजेंट जो करोड़ों रुपए गवर्नमेंट को देता है, जिसके दम पे जो अपनी योजनाएं चलाते हैं, उसकी क्या गारंटी है कि जब तक है उसको कमीशन मिल जाए ठीक है, नहीं तो उसके बाद? आज इसके बाद आपकी क्या गारंटी, जैसे आप रिटायर्ड हो जाती है एंकर से, आपकी क्या गारंटी है? नहीं जी, आप बताइए थोड़ा, जिससे मेरे को मालूम चले क्या गारंटी। आप दोनों खड़े में हैं, आपके रिटायर्ड हो जाते हैं एंकर वगैरह जो कुछ भी, आज आप पे दबाव आ गया, आपने उसी का कर दिया? नहीं, आप न्यूज 18 देखा है? न्यूज 18 जिसमें अडानी के 26% हुए हैं।